Today I am making mango upside down cake. Welcome to Bakeaholic. Ingredients we need are 1/2 cup milk powder, 1/2 cup sugar, 1/2 cup butter, 1/2 cup thick mango shake, 1 cup atta, 1/2 teaspoon baking powder, 1 teaspoon elaichi powder, आप चाहें तो वनीला एसेंस या मैंगो एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, एंड सम मैंगोज. टू प्रिपेयर द पैन, मैंगोज़ को छील कर लॉन्ग एंड थिक स्लाइसेस में कट कर लें, सो दैट ड्यूरिंग द बेकिंग ये मुशी ना हो जाएं और गल ना जाएं. अपने पैन में चारों तरफ मैंने अच्छे तरीके से बटर लगा लिया है और बेस पे बटर पेपर लगा लिया है ताकि आफ्टर बेकिंग मैंगोज चिपक ना जाएं. I'll start arranging longer pieces लेके ऐसे चारों तरफ लगाना स्टार्ट करें. लाइक दिस, ये हमारे सारे पीसेस अरेंज हो गए हैं. अब हम इसको साइड में रखते हैं. टू स्टार्ट मेकिंग द बैटर इन अ बोल, टेक रूम टेम्परेचर्ड बटर जिसमें मैं मिल्क पाउडर ऐड करूँगी जो कि लंपी हो जाता है. सो ब्रेक द लंप्स एंड ऐड ऑल द मिल्क पाउडर विद द बटर. एड पाउडर शुगर टू दिस. और पाउडर शुगर आप घर पे बहुत ईजली बना सकते हैं. नॉर्मल शुगर को ग्राइंडर में 2-3 बार अच्छे से ब्लेंड्स करके पाउडर शुगर बन जाती है. और इस सब को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं. एंड टू गिव दिस अ बिट ऑफ मॉइस्चर, मैं 1-2 चम्मच मेरा मिल्क शेक जो मैंने बनाया हुआ है, मैंगो मिल्क शेक, वो डालूँगी. अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए. अब इसे इलेक्ट्रिक बीटर या हाथ से अच्छी तरीके से विस्क कर लीजिए जब तक कि ये लाइट और फ्लफी नहीं हो जाता है. आफ्टर विपिंग फॉर 3 मिनट्स एट मीडियम स्पीड, ये बहुत ही लाइट हो गया है, पेल इन कलर हो गया है और बिल्कुल फेस क्रीम जैसा सॉफ्ट हो गया है. अब मैं इसमें इलायची पाउडर ऐड करूँगी जो मैंने बहुत बारीक नहीं किया है, मैंने थोड़ा मोटा रखा हुआ है. आप चाहें तो एकदम बारीक इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो वनीला एसेंस या मैंगो एसेंस भी ऐड कर सकते हैं. इसी के साथ में मैं थोड़ा सा और मैंगो शेक ऐड करूँगी और अच्छी तरीके सारे साइड्स और बॉटम को अच्छी तरीके से स्क्रेप कर लूँगी टू मिक्स ऑल द बटर एंड शुगर. क्लीन योर स्पैचुला एंड अगेन स्टार्ट विस्किंग एट लो स्पीड. मैंने आटे में ऑलरेडी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाल के अच्छे तरीके से 2-3 बार छान लिया है, तो अब मैं ये आटा डायरेक्टली बटर शुगर मिक्सचर में ऐड करूँगी इन 3 बैचेस अलोंग विद मैंगो शेक. हाथ से मिलाना स्टार्ट करें ताकि आटा उड़े नहीं, और फिर लो स्पीड पे इसे
मिक्स करेंगे। अब इसमें कोई भी ड्राई आटा नहीं दिख रहा है तो मैं बंद करके सेकेंड बैच ऐड करूँगी। और इसी के साथ में मैं 2-3 चम्मच मैंगो शेक भी ऐड करूँगी। अगेन विस्क विथ हैंड एंड स्टार्ट एट अ लो स्पीड। अब इसमें थर्ड और फाइनल बैच ऑफ आटा ऐड करेंगे और साथ में ही हम इसमें बचा हुआ मैंगो शेक भी ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे फॉर 2-3 मिनट्स टू मेक अ रिबन कंसिस्टेंसी बैटर। And preheat your oven at 180 degrees for 10 minutes. और एक बार सारे साइड्स को अच्छी तरीके से स्क्रेप कर लीजिए ताकि कोई ड्राई इंग्रेडिएंट रह ना गया हो। और एक लास्ट टाइम मैं इसे फॉर 30 सेकेंड्स ओनली फिर से विस्क कर लूँगी। हमें इसे ज़्यादा ओवर विस्क नहीं करना है। And now, flowing ribbon consistency batter is ready. Pour this batter into the prepared baking tin. और विद द हेल्प ऑफ बैक ऑफ द स्पैचुला इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लें और जितना पॉसिबल है उतना ऊपर से स्मूथ कर लें। टू फिल द गैप्स बिटवीन द मैंगोज एंड रिलीज द एयर बबल 2-3 बार अच्छी तरीके से इस पैन को अपने काउंटर पे टैप कर लीजिए। Now bake it for 35 to 40 minutes or till cake is done. After 40 minutes, cake is done. इसने अच्छी सारा sides छोड़ दिया है और toothpick insert करके निकालती हूँ तो it comes out clean, which means cake is done. अब मैं इसको इसी wire rack पे ठंडा होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। After 10 minutes, cake is cooled और अब इसे demold करते हैं। Take a sharp knife और चारों तरफ अच्छी तरीके से इसमें रन कर लीजिए ताकि बॉटम पे कहीं पे भी अगर केक चिपका होगा तो निकल जाएगा। और अब इसे पलट लीजिए।
और ये बटर पेपर भी निकाल लेते हैं। And now let the cake cool completely. After cooling completely, mango upside down cake is ready to serve.